हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज 6.6 और क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो बिगिनर बच्चे हैं या फिर जो जिनका मैथ्स थोड़ा वीक है, ठीक है, वो लोग इस एक्सरसाइज को ना करें। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में बहुत रेयर देखने को मिलता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। फिगर आपको दिया है और बोला है कि PS is a bisector of angle QPR. PS जो है bisector किसका? Angle P, sorry QPR का। इस ठीक है, तो इस angle के लिए bisector, bisector मतलब ये वाली जो line है इस पूरे angle को दो equal parts में divide कर रही है। अगर मैं बोलूँ ये this is angle one, this is angle two, means angle one is equal to angle two, ये आपको given है। तो मुझे prove करना है QS divided by SR is equal to PQ divided by PR। ये मुझे क्या करना है? प्रूव। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो करते हैं गिवन। गिवन क्या है? इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR में, ठीक है, क्या क्या गिवन है मुझे? सिंपली गिवन है कि PS is a bisector of एंगल क्यू पी आर और बोल सकता हूँ एंगल पी क्यू। ठीक है, टू प्रूफ में चलते हैं। टू प्रूफ क्या करना है? एज इट इज जो मुझे गिवन है, दिस इज क्यू एस डिवाइड बाय एस आर इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाय पी आर। ये मुझे क्या करना है? ठीक है, अब मुझे यहाँ प्रूफ में दिख रहा है कि मुझे दो साइड्स, इधर भी साइड्स का रेशियो, इधर भी साइड्स का रेशियो, साइड्स का रेशियो मुझे दो चीजों से मिल सकता है। द फर्स्ट हमने जो चैप्टर के स्टार्ट में किया था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उससे मिल सकता है। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए? कोई पैरेलल लाइन चाहिए। ठीक है, ये ट्रायंगल में क्या होना चाहिए? कुछ पैरेलल लाइन होनी चाहिए, किसी भी एक लाइन की पैरेलल। यहाँ पे कुछ भी पैरेलल मुझे गिवन नहीं है। सेकंड होता है कि दो ट्रायंगल्स को मैं सिमिलर प्रूव कर दूं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने जाता हूं तो मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, इसके अलावा मुझे कुछ गिवन नहीं है। इसका मतलब मुझे कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होगी? मुझे पीपीटी का यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा यहां से पैरेलल टू दिस लाइन पीएस। इस पीएस के मैं एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं, कहां से? जो कहां से पास हो रही है? पॉइंट आर से पास हो रही है। और क्यूपी को मैं प्रोड्यूस करूंगा, क्यूपी को प्रोड्यूस करूंगा जो इसको लेट बी मान लो पॉइंट डी के ऊपर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने क्या कंस्ट्रक्शन की? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मैंने इस पीएस के एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की, कहां से? जो कि पॉइंट आर से पास हो रही है। ठीक है, और जो कि क्यूपी को प्रोड्यूस करने पे, क्यूपी को प्रोड्यूस कर रहा हूं और पॉइंट डी पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो एज इट इज कंस्ट्रक्शन को हम लिखते हैं। हमने क्या कंस्ट्रक्शन की है? ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू PS, यानी कि पैरेलल टू PS की मैं एक लाइन ड्रॉ, पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू PS थ्रू, किसके थ्रू? R से जो पास हो रही है, थ्रू R जो पास, थ्रू R व्हिच इंटरसेक्ट प्रोड्यूस्ड QP। ठीक है, मैंने QP को प्रोड्यूस किया। ठीक है, PQ मत लिखना, PQ का मतलब है ये लाइन इस तरह प्रोड्यूस होगी, QP का मतलब है ये लाइन उस तरफ प्रोड्यूस होगी। तो प्रोड्यूस्ड QP, ठीक है, व्हिच इंटरसेक्ट प्रोड्यूस्ड QP एट T, जो कि क्या कर रही है? T पे इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, एक बार फिर से मैं कंस्ट्रक्शन रिपीट कर रहा हूं। मैंने एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू दिस, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, जो कि R से पास हो रही है। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दी और जब मैंने QP को प्रोड्यूस किया तो ये लाइन इसको क्या कर रही है? T पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये मेरा हो गया कंस्ट्रक्शन। अब हम चलते हैं प्रूफ के ऊपर। ठीक, अब प्रूफ में देखो क्या करना है मुझे। मुझे रेशियो चाहिए, मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, तो मेरे सामने आ जाए पैरेलल लाइन। देखो ये, अगर मैं इस पूरी बड़ी ट्रायंगल की बात करूं, ठीक है, तो ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। तो ये हमने पीपीटी में पढ़ा था, किसी भी ट्रायंगल में अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं किसी भी एक लाइन के पैरेलल, तो जो बाकी दो लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, तो दो पोर्शन जो बनेंगे वो क्या होंगे? इक्वल रेशियोज में होंगे। क्या उनका रेशियो क्या
होगा, सेम होगा। यानी जो तीसरी जो लाइन इस लाइन की जो पैरेलल लाइन होगी, जो दो लाइनों को इंटरसेक्ट करती है, उनको क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ये हमने पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं, बीपीटी भी बोल देते हैं, सो ठीक है पढ़ा था। तो एज इज प्रूफ कर सकता हूं कि इन ट्रायंगल QRT, मैंने कौन सी ट्रायंगल ली, QRT पूरी बड़ी ट्रायंगल मैंने ले ली। इस पूरी बड़ी ट्रायंगल में मेरे पास क्या है, PS is parallel to, PS जो है parallel किसके, TRT, ठीक है, by construction, क्यों है, मैंने construction की है, तो मैं लिखूँ by construction के दोनों parallel। अगर ये दोनों lines एक दूसरे के parallel है इस ट्रायंगल में, तो therefore BPT मेरी क्या बोलती है, BPT मुझे बोलती है कि ये जो लाइन है वो क्या करेगी, इस लाइन को और इस लाइन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। सेम रेशियो लिखने का तरीका क्या था, इस साइड से लिखते हैं दिस इज QS डिवाइड बाय SR, लिखो मैं इधर दिस इज QS डिवाइड बाय SR इज इक्वल टू, इस साइड जाएगा तो QP डिवाइड बाय PT, दिस इज QP, या फिर मैं इसको PQ लिख देता हूं, PQ डिवाइड बाय PT, ठीक है, आप इसको QP लिखो या PQ लिखो, एक ही बात, सेम लाइन रहेगी, हो गया। रीजन क्या देंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, क्यूएस मुझे चाहिए था मिल गया, डिवाइड बाय एसआर मुझे चाहिए था मुझे मिल गया, पीक्यू चाहिए था मिल गया, पीआर चाहिए था लेकिन यहाँ क्या मिला, पीटी, यानी इस पीटी को मुझे क्या करना है, पीआर में चेंज करना है। अब वो कैसे करते हैं देखते हैं, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैं इसको इक्वेशन नंबर वन बोल देता अब देखो मैंने बोला कि PS जो है वो पैरेलल है किसके, TR के। अगर मेरी ये PS जो है पैरेलल है TR के, तो क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, लेट मी बोलता हूं एंगल 3, इसको मैं बोल रहा हूं एंगल 4, क्या एंगल 1 जो है 3 के इक्वल होगा, ठीक है, ये चीजें हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। दो मेरी लाइन है, अगर मैं यहां से ट्रांसफर करता हूं तो ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, ठीक है, ये कौन से बनते थे मेरे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, कौन सा पेयर बनता था, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स का पेयर बनता था, दो लाइन में पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल इनको कट कर रहा है, तो ये एंगल इसके इक्वल होता था, कौन सा बनता था, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, सेम एनर्जीज, ये एंगल इसके इक्वल होगा, कौन सा बनेगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल जो है मेरा इसके इक्वल होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, सेम एनर्जीज, ये और ये भी मेरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन क्या रहेगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स मेरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम एनर्जीज, ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है और ये मेरा क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये मेरा ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, कौन सा पेयर बनना है, क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है, तो मींस मैं लिखूंगा यहां पे इसके पैरेलल तो ये हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, क्यों होगा, ये होंगे मेरे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ये मेरे क्या हो जाएंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट चलते हैं, 1 जो है 3 के इक्वल है, क्या मेरा 2 जो है वो 4 के इक्वल होगा, सेम एनर्जी, अगर मैं इसी डायग्राम में बात करूं, मेरे पास कोई भी दो लाइन है और ये मेरा ट्रांसवर्सल से, ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होता था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या मतलब है मेरे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सेम एनर्जी, ये इसके इक्वल होगा, ये भी कौन सा पेयर बनना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, तो सेम एनर्जीज, ये लाइन इसके पैरेलल है और अब मेरा ट्रांसवर्सल कौन सा है, ये वाला, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, क्यों होगा, रीजन हमारे पास कह रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इसको हम लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, क्या बन गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, क्या बन गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 1 जो है मेरा एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 जो है मेरा 2 के इक्वल है, क्यों है, ये मेरे पास रीजन, जो मेरे पास गिवन था उसका यूज कब हुआ है, PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QBR, PS जो है वो किसका बाइसेक्टर है, QBR का, इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा इसके, क्योंकि ये क्या है, बाइसेक्ट, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जिसका रीजन क्या रहेगा, PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, ठीक है, क्या है, PS is bisector of angle QPR, अगर ये हो गया तो therefore मैं क्या लिख सकता हूं, therefore अब देखो 1 2 के इक्वल है, यानी ये दोनों इक्वल है दूसरे के,
ठीक है, अगर मेरी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है तो मेरी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। 1 2 के इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं कि ये भी एंगल 1 ही तो है, यानी 1 के इक्वल 3 है और 1 के इक्वल ही 4 है, ठीक है, इसका मतलब 3 और 4 भी क्या होंगे मेरे इक्वल होंगे, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसका मतलब क्या है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, यानी ये और एंगल, ये एंगल इक्वल हो गया। कैसे हुआ, ये एंगल मेरा इसके इक्वल है, मान लो इसकी वैल्यू है 30 डिग्री, तो ये इसके इक्वल है तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अब इसे बोलो मुझे पता है 1 और 2 इक्वल है, इसका मतलब ये 30 है तो ये भी मेरा 30 और ये 30 है तो ये भी 30, क्योंकि कौन सा मेरा ऑल्टरनेटिव एंगल, तो इसका मतलब ये और ये भी मेरे क्या है इक्वल है, मींस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। अगर 3 और 4 मेरे इक्वल है, इसकी वैल्यू 30 नहीं है जैसे मैंने सपोज किया था। अब अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल की, इस वाली ट्रायंगल में एंगल 3 जो है मेरा 4 के इक्वल है, तो ये हमने 9th में ये भी पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, जो मेरे अगर दो एंगल इक्वल हो तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर 3 और 4 मेरे इक्वल हैं तो 3 के सामने कौन सी साइड है, PR, 4 के सामने कौन सी साइड है, PT, ये दोनों क्या होंगी इक्वल, क्यों होंगी, रीजन क्या रहेगा, यहां लिखता हूं मैं, ठीक है, साइड अपोजिट टू साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, जो इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है इक्वल होती है। तो लेट मी इसको बोल देना, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें, ठीक है, वन में क्या है बस ये qs डिवाइड बाय sr, मैं लिख देता हूं दिस इज qs डिवाइड बाय sr इज इक्वल टू PQ, मुझे चाहिए था मैंने एक्चुअली लिखा दिस PQ डिवाइडेड बाय PT, अब PT किसके पे PR लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, दिस इज PR, क्या मुझे ये चाहिए था, बिल्कुल मुझे ये चाहिए था, दिस इज योर हैंड्स प्रूफ, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। इसमें आपको कंसेप्शन ध्यान रखना ही पड़ेगा, कंसेप्शन के बाद जस्ट आपको बीपीटी लगानी है, बीपीटी के बाद कुछ बेसिक्स कांसेप्ट थे जो हमारे 9th क्लास में हमने किए थे, जो दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करता है, तो ठीक है, जैसे क्रॉसपॉइंटिंग एंगल्स और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, और उसके बाद हमने ये दोनों साइड इक्वल प्रूव कर दी और उससे हमारा रिजल्ट हमें मिल गया, ठीक है, तो इजी था। इस वीडियो को एक दो बार देखिए, एक दो बार इस क्वेश्चन को करके देखिए, ठीक है, और अपना सक्सेस याद करना ही पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है भाई, कॉन्सेप्चुअल एक दो बार करोगे तो आपको अपने आप हो जाएगा, ठीक है, अभी इस क्वेश्चन का कन्वर्स भी होगा वो भी करेंगे हम, ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू।